मॉम आप अभी तक मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तुम्हें ये खुशफहमी क्यों है कि तुम बड़े हो गए हो? आरिफ देखे ना, इतना मजे का सूप मैंने बनाया इसके लिए, कितनी मेहनत से बनाया, ये नहीं पी रहा है, अब डांटे ना इसको। बेटे पी लो, जाया हो जाएगा। ऑलरेडी तुम्हारी वजह से मेरे बहुत से पैसे जाया हो जाएंगे। क्या मतलब आरिफ, कौन से पैसे जाया होंगे? अपने साहबजादे से पूछो, गलती हो गई थी मुझसे, वैकेशन के अरेंजमेंट इसको सौंप दिए थे, अगले हफ्ते हमारी फ्लाइट्स थी, होटल बुक हो चुके थे, जाहिर है ये सारे पैसे तो जाया होंगे ना। आपको मुझसे ज्यादा अपने पैसे जाया होने का अफसोस है? अफसोस मुझे तुम्हारी हिमाकतों पर है, और ज्यादा अफसोस इस बात पे है कि तुम गलती करने के बावजूद ढिठाई पे अड़े हुए हो। आरिफ अब एक हादसा हो चुका है तो अब क्या कर सकते हैं? इसे हादसे का नाम मत दो, ये आबैल मुझे मारने वाली हरकत है, हादसा नहीं था। अब जो कुछ भी हो चुका है हम बार बार डिस्कस करेंगे तो टेंशन होगी ना। आप हमेशा इसका साथ दिया करें और इसकी हरकतों पर पर्दापोशी करके इसे बचाया करें। आरिफ प्लीज, अब इसकी हालत तो देखें, कितना तकलीफ में है बेचारा। इसे एहसास होना चाहिए कि इससे ज्यादा तकलीफ में हम दोनों हैं। अच्छा चलो बेटा, जल्दी जल्दी सूप पी लो, ठीक नहीं हो ना? बात हो सकती है बाजी? नहीं, कोई बात नहीं हो सकती। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, तो अभी इसे यहाँ से चली जाओ। मैंने अपना मसला शेयर नहीं किया इसलिए नाराज हो? नहीं, मैं किसी बात पे भी नाराज नहीं हूँ, मुझे बस इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी, बहुत बड़ी जो हो गई हो तुम। क्या हो गया आपा? मैंने कहा ना मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे बस तुमसे कोई बात नहीं करनी अभी। देखो अगर आप नाराज हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा? तुम्हें मेरी जरूरत कहाँ है? सारे फैसले तो तुम खुद करने लग गई हो ना। अरे ऐसा नहीं है, आप तो मेरी ताकत है, आपकी वजह से तो मैं सर उठा के कॉन्फिडेंटली चल पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहन मेरे पीछे खड़ी है, मैं जहाँ भी लड़खड़ाऊंगी वो मुझे संभाल लेगी। ये लच्छेदार बातें किसी और को जाके सुनाना, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। मेरा यकीन करो मैं सच कह रही हूँ, अगर आप नहीं हो ना मैं शायद घर से निकलना भी छोड़ दूँ। तो फिर इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों तुमने? वो राशिद कब से हमें तंग करने की कोशिश कर रहा था, यही बात अगर तुम मुझे पहले बता देती ना तो वो काम जो आज हुआ है वो बहुत पहले हो जाता। अरे बस हो गया ना, खत्म कर दो नाराजगी। उस राशिद को मैं नहीं छोड़ूंगी, उसको छठी का दूध ना याद दिलाए ना तो मेरा नाम भी दिलशान नवाब नहीं। अरे जो कुछ करना है कल थाने में जाके करना, अभी तो ठंडी हो जाए, क्यों इतना गुस्सा कर रही है? और प्लीज उसके बारे में सोचना छोड़ दें, वरना इसी तरह गुस्सा आता रहेगा। एक बात बता, वो जो लड़का उस दिन उसको लेके आया था ना, वो इस सब मामले में कहां से आया? आपा वो मेरी यूनिवर्सिटी का लड़का है, पहले मुझे लग रहा था ये सब वो ही कर रहा है। नहीं वो ऐसा लड़का नहीं है, मैं तो एक नजर में देख के पहचान जाती हूँ कि कौन कितने पानी में है।